लॉजिटेक जी। लॉजिटेक जी जब नाम सामने आया तो माइंड में क्या आया? गेमिंग प्रोडक्ट्स, माउस, कीबोर्ड, हेडफोन या फिर गेमिंग ईयरफोन्स। स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे। हाँ पता है, प्रोमो से पहले नहीं बोला लेकिन एडजस्ट कर लो। आपको ये पता है लॉजिटेक जी ने अपने इन ईयरफोन्स लॉन्च किए थे बहुत पहले मतलब थोड़े महीनों पहले, G333 VR, वो स्पेशली ऑक्यूलस रिफ्ट के लिए थे। मतलब एक डिवाइस बस दूसरे डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है, बाकी वो कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तब मुझे बुरा लगा क्योंकि उसके रिव्यू कुछ अच्छे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने सुन लिए, उन्होंने लॉन्च किए हैं G333 और ये सब पे चलते हैं। इसको आप पीसी पे चलाओ, इसको आप मोबाइल पे चलाओ, इसको आप निंटेंडो स्विच पे चलाओ, इसको आप एक्सबॉक्स पे चलाओ या फिर PS के कंट्रोलर पे चलाओ या फिर पत्थरों पे चलाओ, ये चलेंगे। तो चलो आज इसको खोल के देखते हैं कि ये क्या हमारे लिए चलेंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉक्स है और शायद हमें पर्पल कलर का वेरिएंट मिला हुआ है। इसमें तीन कलर आते हैं, व्हाइट, पर्पल और ब्लैक। और ऐसे ही नहीं कि बस वही कलर है, वो जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि देखो पर्पल के साथ ये येलो का कॉम्बिनेशन है, उस तरीके से कॉम्बिनेशन आते हैं। तो चलो इसको हम खोलते हैं अपने प्यारे, पता है ना, हाँ उससे, और खोल के देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कीप प्लेइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉजिटेक का लोगो और यहाँ पे सारी चीज़ें कहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आई गेस ये 3.52 टाइप सी का कनेक्टर दिया गया है, ये इन लाइन कंट्रोल दिए गए, वेरी नाइस, सारी चीज़ें यहीं पे है। इसको हम खोलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या क्या मिल रहा है। ओके, तो ये है ईयरफोन, इसको हम थोड़ा साइड में रख के नीचे देखते हैं क्या क्या है। आजकल मोबाइल फ़ोन वाले तो आपको देते नहीं जो इन्होंने दे दिया है, 3.52 टाइप सी कन्वर्टर। आप टाइप सी के जो भी कंपेटेबल मोबाइल है या फिर PC पे आप लगा के एक HD क्वालिटी की साउंड पा सकते हो। यहाँ पे ये दिया गया है और इसके साथ में पाउच दिया गया है। आपको, आप पाउच का इस्तेमाल करते हो ईयरफोन अगर आप लेके कहीं पे बाहर जाते हो, पाउच लेके जाते हो, अगर लेते जाते हो तो ये पाउच आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे ही इस तरीके से आराम से इसके अंदर डाल सकते हो इसको। रेडी टू गो। अच्छा पाउच है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ बट शायद आप करते होंगे। और ये जो वायर्स है ये टैंगल फ्री है, मतलब ये आपस में ऐसे उलझेंगी नहीं। देखो एकदम इजीली खुल सकती है, देखो इजीली खुल गई। ओके, तो ये बक्से में और एक चीज़ आई है, ये है मतलब आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और एक यूज़र गाइड मैनुअल आया। पढ़ाई कम हो रही हो तो पढ़ के आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल लग रहा है। आवाज़ देखो, एल्यूमिनियम का हाउसिंग है, एकदम स्टडी लुक है। और ये इनलाइन कंट्रोल्स है, प्लस माइनस प्ले पॉज का भी है, बढ़िया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो उन्होंने फ्री दिया हुआ है, ये लगाने के बाद क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगती है, वो भी टेस्ट करके हम देखेंगे मोबाइल में। ये ड्यूअल ड्राइवर के साथ आते हैं, एक है 5.8 mm का और दूसरा है 9.2 mm का। कंपनी बोलती है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और बूमिंग बास इसमें मिलता है। एनिमी के फुटस्टेप्स रहते हैं या फिर गनशॉट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको सुनाई देंगे। अगर आप एडिटर हो तो एडिटिंग करते वक्त आपको बहुत छोटे छोटे साउंड पे ध्यान देना पड़ता है, वो सारे साउंड के डिटेल्स ये आपको प्रोवाइड करेगा। एक बार सुन के देखते हैं क्या सच में ये प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद हम एक बार इसकी माइक टेस्ट भी करेंगे क्योंकि इसका माइक भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन टेस्ट करके देखेंगे। पहले तो हम 3.5 mm जैक सीधा लगा के टेस्ट करेंगे। गाने ऑब्वियसली NCS का कोई अच्छा सा प्यारा सा पैरट्स ऑफ कैरेबियन का गाना लगा के चेक कर दे कैसा बजता है। पैरट्स ऑफ कैरेबियन रिमिक्स म्यूजिक, नो कॉपीराइट। हाँ ये बढ़िया है। इनलाइन कंट्रोल अच्छे से यूज भी हो रहा है, पॉज हो रहा है, प्ले हो रहा है। अच्छा साउंड इसकी लाउड है बट तकलीफ नहीं हो रही है।
और उन्होंने बोला है कि अगर आप इसके साथ यूज करोगे तो बेटर क्वालिटी आती है। एक बार इसको लगा के यूज करके देखते हैं बेटर क्वालिटी आती है क्या। ओके ओके, ये लगाने के बाद इनलाइन कंट्रोल्स तो यूज हो रहे हैं, साउंड थोड़ा सा मतलब ऐसा क्रिस्प ज्यादा, मतलब क्लैरिटी ज्यादा, लाउडनेस थोड़ी कम हो गई है बट क्रिस्प सुनाई दे रहा है। इसको अगर आप पीसी पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्लैरिटी बहुत अच्छे से सुनाई देगी। मैंने इस पे टाइप सी एडेप्टर का यूज करके कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ट्राई किया। हाँ, मोबाइल गेम्स की आदत थोड़ी सी छूट सी गई है बट खेल लेता हूँ थोड़ा अच्छा खासा। इसके ड्यूल ड्राइवर्स की वजह से एनिमी के फुटस्टेप्स हो या फिर गनशॉट हो, आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर मोबाइल पे ये ईयरफोन यूज करने हैं तो आप ये जो टाइप सी का एडेप्टर दिया गया है इसका इस्तेमाल करके ही खेलिएगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक बार इसकी इनलाइन आवाज सुन के देखते हैं, माइक चेक कर दे कि एग्जैक्टली माइक कैसे काम करता है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, जोर से बात कर रहा हूँ। हेलो, धीरे से बात कर रहा हूँ। हेलो, प्यार से बात कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, बादशाह का जोर से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छी क्वालिटी आ रही है गाइस, से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छी क्वालिटी आ रही है, आपको तो सुनाई देगा। कर रहा हूँ ओवरऑल ये ईयरफोन अगर ओवरऑल मैं देखने को जाऊँ तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। इसमें आपको एनिमी के फुटस्टेप्स बहुत ही अच्छे से सुनाई देगी, और हाँ, इसके इनलाइन माइक कंट्रोल भी काम कर रहे हैं, और हाँ, इसका माइक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लेना चाहते हो अपनी मर्जी से या अपने दोस्तों की सजेशन से तो ले सकते हो, ठीक है, और आराम से किसी भी डिवाइस पर लगा के गेमिंग कर सकते हो। और अभी मैं ये लेके गेमिंग करने के लिए जाता हूँ।